प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। मित्रों ने एक बार टीवी देखने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ अच्छे कागजी आविष्कारों में से विजेता की घोषणा की जानी थी। और ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुकटुक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और बेसब्री से परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे देखो कैसा कागजी समुद्र है। लगता है कि मुझे समुद्री बीमारी की शुरुआत हो रही है। नहीं टुकटुक, ये समुद्र नहीं है, ये हमारा टीवी संकेतों को पकड़ना नहीं चाहता। पकड़ना? पर क्या उसके पास मछली पकड़ने का कांटा है? नहीं टुकटुक, संकेत पकड़ा जाता है एंटीना के माध्यम से। संकेत अच्छी तरह से पकड़ सके इसके लिए इसे ऊपर उठाना चाहिए और तब हम अपने पसंद का शो देख सकेंगे और जान सकेंगे कि कागज के क्षेत्र में कौन सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक है। और अब अरस्तु सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि उस पर एंटीना लगा सके। चुक चुक, बताओ कैसे काम कर रहा है? नहीं आ रही, यहाँ अभी तक समुद्र है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, और अब? नहीं। अच्छा, और अब? नहीं। और अब? नहीं। हुर्रे, आओ काम करने लगा। आरी जल्दी नीचे उतरो, अभी शो शुरू होने वाला है। अरे अरे मैं गिर रहा हूँ। आरी, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? आरी, पेड़ की ऊंचाई पर उड़कर टुक टुक ने देखा कि अरस्तु की हालत ठीक नहीं थी। आरी, तुम्हें क्या हुआ? आरी, मुझे डर लग रहा है। इससे कहाँ है वो राक्षस, मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त को डराने का क्या परिणाम होता है। नहीं टुक टुक, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है। ये पता चला कि अरस्तु काम में इतना मग्न हो गया था कि ऊंचाई के अपने डर के बारे में भूल गया था। और उसे इस बारे में तब याद आया जब वो पेड़ की पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। तुम कैसे ऊंचाई से डर सकते हो? ना उसके कोई दांत है, ना नाखून है। अरे नीचे उतरो मेरे दोस्त, नीचे उतरो तुम। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ छोड़ दो और अकेले उड़ जाओ। कागज के कठफोड़वे अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम बिल्कुल ठीक हो आरी, कुछ न कुछ सोचो, तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा अगर अच्छा सोचोगे। लेकिन आरी इतना डर गया था कि वो कुछ कागजी सोच नहीं सकता था, इसीलिए टुक टुक को खुद सोचना पड़ा। पर जब कोई ज्यादा ही तेजी से सोचता है तो अवश्य कुछ न कुछ बहुत कागजी नहीं होता। क्या तुम पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते? ठीक है, क्योंकि मैं कागज का बारहसिंगा हूँ, पक्षी नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ नहीं सकता। ओह, लगता है मैंने सोच लिया है। टुक टुक, मेरे उपकरणों के डिब्बे को यहाँ ले आओ, हम बनाएंगे कागज का पैराशूट। जल्दी लाओ। कागजी दोस्त, कागज के बारह सिंघा के लिए पैराशूट कैसे बना सकते हैं? कागज के एक चौकोर पन्ने को लो, उसमें छेद करो इस तरह से, और उसमें रस्सी डाल दो। बहुत अच्छा। कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो इस तरह। बहुत अच्छा, देखो अब पैराशूट तैयार है। पैराशूट? हुर्रे, ये तो तुमने बहुत कागजी सोचा। हुर्रे, बचा लिया। तुम हमेशा की तरह ऊंचाइयों पर हो आरी। दोनों दोस्त टेलीविजन के सामने बैठ गए और निवेदक ने प्रतियोगिता जीतने वालों के नाम बताए।
सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक बने अरस्तु और टुकटुक। दोनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने तय किया कि अगली बार प्रतियोगिता में अपना पैराशूट भेजेंगे और हो सकता है कि फिर से जीत जाएं, पर ये होगी बिल्कुल दूसरी कहानी। तब तक इंतजार करिए, कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।